गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद मॉर्निंग इंग्लिश स्कूल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री 6 चैप्टर बिगनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ओके, इंग्लिश एजुकेशन मेड मिक्स इफेक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वेयर सॉन बाय द रिफॉर्म ऑफ न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी। यस, नाउ ऑब्वियसली इंग्लिश एजुकेशन मेड मिक्स इफेक्ट। अब इंग्लिश जो एजुकेशन था उसने क्या किया है, उससे क्या हुआ है, मिक्स इफेक्ट पड़ा है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। जो सीड्स होते थे, जैसे जो सीड्स होते बीज होते हैं ना, तो बीज किसके, नेशनलिज्म के बीज जो थे वो उगा दिए गए थे किसके थ्रू, रिफॉर्म्स के थ्रू। ओके, ऑफ न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी में, किस कहाँ पर, जो न्यू एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में, जो सोसाइटी स्टार्ट हुई थी एजुकेटेड सोसाइटी, वहाँ पर। So due to various movement in different part of India, a favorable situation was created to build a political organization on an all India level, which will bring together the various provincial political organization. Yes, अब देखो, due to various movement, एक बहुत सारे movement start हुए थे ना, तो वो time पे क्या हुआ था, different मतलब जो movement start हुए थे, obviously वो बहुत different different parts में, my country के different different parts में movement start हुए थे, और उसकी वजह से एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ओके, और फिर क्या हुआ था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुआ था हमारी कंट्री में, उसका मतलब वो क्या, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट हुआ था, बिल्ड हुआ था, तो वो क्यों हुआ था, कि वो चाहते थे कि जो मतलब सब एक साथ हो जाए, ब्रिंग टूगेदर द वेरियस प्रोविंशियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कैसे हो जाए, एक साथ आ जाए टुगेदर। ऑब्वियसली जब हम एक यूनिटी में आएंगे तो ही हम लोग किसी भी चीज़ से फाइट कर सकते हैं ना। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉलिटिकली अवेयर पीपल एंड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द नेशन बाय डाइवर्टिंग पब्लिक अटेंशन टुवर्ड द क्वेश्चन ऑफ द नेशन। यस, ऑब्वियसली अभी इनका वो क्या चाहते थे कि हम लोग एक यूनिटी में फॉर्म होकर इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। अगर ऐसे ही अगर वो एक यूनिटी में आकर इंडिया के ऊपर अटैक करें तो डेफिनेटली उन लोगों को क्या मिल जाता था, उन लोग मतलब ब्रिटिश को डिफीट कर सकते थे, हरा सकते थे, है ना। एंड ग्रुप ऑफ पॉलिटिकली अवेयर पीपल एंड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन, यस, एंड दे वेर एक्सप्रेसिंग देयर एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। किस तरीके से वो अपने एस्पिरेशन को एक्सप्रेस कर रहे थे, बाय डाइवर्टिंग द पब्लिक अटेंशन। ओके, जो उनका जो पब्लिक अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट कर रहे थे अपनी तरफ। नाउ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इट इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉट द नेशन अंडर वन रूफ इन हिज टू सेंस। यस, अब देखो, जब ब्रिटिश, ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ था, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉट द नेशन अंडर वन रूफ, मतलब इसकी वजह से, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो हमारा कंट्री था वो एक रूफ के अंदर आ गया था, मतलब एक रूफ जैसे छत होता है ना, तो उसके अंदर आ गया था। ड्यू टू आइडेंटिकल रिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री एंड इक्वालिटी बिलो लॉ, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप अबाउट द पीपल। यस, अब इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो आइडेंटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे ना, आइडेंटिकल जो रिफॉर्म थे जो पूरी कंट्री पे हो रहे थे, और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो इसकी वजह से एक नेशनलिज्म डेवलप हो गया था हमारी कंट्री के पीपल्स के अंदर। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी, द ब्रिटिश बिल्ड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज। ऑब्वियसली अब देखो, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने के लिए, और स्विफ्ट मूवमेंट की वजह से, जब स्विफ्ट मूवमेंट था आर्मी का, उसके वजह से ब्रिटिश बिल्ड नेटवर्क, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, दे बिल्ड नेटवर्क, उन्होंने कहाँ पर नेटवर्क बनाया, रोड्स में और रेलवेज के थ्रू नेटवर्क बनाए थे। बट दिस फैसिलिटीज बेनिफिटेड द इंडियन एज वेल। यस, ऑब्वियसली ये जो नेटवर्क सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था रोड और रेलवेज का, इन्होंने तो ब्रिटिश ने अपने बेनिफिट के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन इससे और कौन बेनिफिट ले रहा था, ले सकता था, जो हमारे पीपल्स थे, जो इंडियन पीपल्स थे, वो भी उसका बेनिफिट ले रहे थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। यस, ऑब्वियसली वो सोर्स की वजह से, वो कनेक्शन की वजह से, वो नेटवर्क की वजह से, जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो पीपल्स रह रहे थे, वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में हो गए थे। देयर वॉज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रो अप। यस, ऑब्वियसली अब जैसे ही लोगों के कॉन्टेक्ट बढ़ रहे थे, है ना, तो इसकी वजह से एक कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रहा था,
अब कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, उसकी वजह से जो पीपल थे हमारे कंट्री के, उन लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ओके यस, सो इससे जो पीपल से उनके अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बढ़ गई थी, ग्रो हो रही थी। ओके नाउ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, द इंडियन वेल्थ वॉज फ्लोइंग टूवर्ड इंग्लैंड बाई ऑल मीन्स। यस, अब जो इंडिया की जो वेल्थ थी वो कहाँ पे जा रही थी, इंग्लैंड में जा रही थी, राइट। ड्यू टू द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड देयर वॉज बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया। यस, अब ड्यू टू इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी थी दैट ब्रिटिश वाइज स्टार्टेड, ब्रिटिश लोगों ने ये पॉलिसी स्टार्ट किए थे, तो कहाँ पे स्टार्ट हुई, ऑफ इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड में स्टार्ट की गई थी। तो देर वॉज अ बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन इंडिया। ऑब्वियसली ये इंडिया का क्या था, एक एक्सप्लोटेशन था, इंडिया का जो इकोनॉमिक था वो क्या हो रहा था, इसकी वजह से एक्सप्लोट किया जा रहा था। ओके, फार्मर्स वेयर कंपेल्ड टू टेक कैश क्रॉप, बर्डन ऑन ऑफ लैंड टैक्सेस, कंटिन्यूस फेमाइन, ऑल दिस ब्रोक डाउन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यस, अब जो फार्मर्स हैं उनको कंपेल किया जाता था, किसके लिए, मतलब कंपेल्ड टू टेक कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स, और फिर उनके ऊपर क्या आ गए थे, बर्डन्स आ गए थे फार्मर्स के ऊपर, टैक्सेस के, लैंड टैक्सेस के, और फिर कंटिन्यूस उन लोग क्या फेस कर रहे थे, फेमाइन फेस कर रहे थे। अब इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था हमारी कंट्री का, तो वो टोटली खराब हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। ट्रेडिशनली इंडस्ट्रीज डिक्लाइन विच लीड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। यस, अब जैसे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, दैट आई टॉट यू इन प्रीवियस चैप्टर, है ना, तो वो भी क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, खत्म हो गई थी ना, क्लोज हो गई थी, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, तो जो लेबर, जो वर्कर उसमें वर्क कर रहे थे, वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। सो दिस इज अ राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द वर्कर क्लास, वेरियस न्यू टैक्सेस वेयर इम्पोज ऑन द मिडल क्लास। यस, अब देखो जो कैपिटलिस्ट है वो भी क्या हो गई थी, एक्सप्लोड हो गई थी, कहाँ पर, वर्कर क्लास में, एंड द वेरियस टैक्सेस, बहुत मतलब बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए थे, इम्पोज किए गए थे किसके ऊपर, मिडल क्लास के ऊपर, एंड दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों की वजह से भी जो पीपल थे, इंडियन पीपल थे, उनके अंदर क्या आ गई थी, एक डिसकंटेंट आ गई थी, मतलब ये जो भी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी उनके साथ, तो उससे तो उनको गुस्सा ही आएगा ना, वो तो नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई ऐसा कुछ करे, फर्स्टली वो हमारे कंट्री में आए, फिर हमारे पर रूल कर रहे और हमारी कंट्री को उनके हिसाब से चला रहे, तो इसके लिए मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से इंडियन पीपल के अंदर क्या आ गई थी, डिसकंटेंट आ गई थी। नाउ वेस्टर्न एजुकेशन, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू आइडियाज सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा वेयर इंट्रोड्यूस इन टू द इंडियन। यस, अब देखो जो वेस्टर्न एजुकेशन एजुकेशन था, तो वो जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा था हमारी कंट्री में, और इसके वजह से जो न्यू आइडियाज़ थी लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये इंट्रोड्यूस की जा रही थी न्यू आइडियाज़ के थ्रू। ओके, इंडियंस में द रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, दिस प्रिंसिपल वेयर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। यस, अब जो इंडियंस पीपल्स थे वो कौन से प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर रहे थे, रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म। ओके, देयरफॉर देयर इनकैलकुलेटेड फीलिंग दैट वी आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द वर्क ऑफ द कंट्री एंड इट्स प्रोग्रेस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। यस, अब उन लोगों का क्या मानना था, ऑब्वियसली अगर हम लोग ये वाले प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो हम हमारी कंट्री को एक प्रोग्रेस कंट्री की तरफ लेकर जा सकते हैं, मतलब हम हमारी कंट्री का प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम इतने कैपेबल है कि हम हमारे कंट्री का प्रोग्रेस कर सकें। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया गॉट अ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यस, अब इंडिया जो कंट्री है, पहले से ही इंडिया क्या है, डाइवर्स लैंग्वेज इंडिया, मतलब इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, बहुत सारे अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के पीपल रहते हैं, तो यहाँ पे कैसे डाइवर्स लैंग्वेजेस है, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो एक क्या हो गया, इंडिया गॉट अ न्यू मीडियम, इंडिया के जो पीपल थे उनको एक न्यू मीडियम मिल गया था कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब न्यू एक लैंग्वेज मिल गई थी
कम्युनिकेशन के लिए. ओके, स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. द एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन कोलकाता बाय द ब्रिटिश. यस, सो जो एशियाटिक सोसाइटी है, वी हैड लर्न दिस पॉइंट मे बी इन लास्ट टू चैप्टर, है ना, मे बी फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में पॉइंट आया था. सो द एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन कोलकाता बाय ब्रिटिश, मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किए थे. मेनी टाइम्स many Indians and Western scholars started study on Indian culture. अब देखो, बहुत सारे जो Indians थे, Indians भी प्लस जो Western scholars थे, वो लोगों ने भी क्या स्टार्ट कर दी थी, Indian culture के बारे में study करना स्टार्ट कर दिए थे. The manuscript in Sanskrit, Persian and other languages were examined and research was published. अब जो manuscript होती है वो कौन सी लैंग्वेज में थी, संस्कृत और Persian एंड अदर लैंग्वेजेस में होती थी, तो उसको क्या करते थे, वो एग्जामाइन किया जाता था, उसके ऊपर रिसर्च की जाती थी और फिर उसको पब्लिश करते थे. इंडियन स्कॉलर लाइक डॉक्टर भाऊदा जिलाड, डॉक्टर आर जी भंडारकर मेड इंटेंसिव स्टडी ऑफ एंशियन इंडियन कल्चर. यस, अब देखो, डॉक्टर भाऊदा जी लाड एंड डॉक्टर आर जे भटनागर, ये दोनों ने बहुत मीन्स इंटेंसली बहुत ज़्यादा स्टडी की थी एंशियंट इंडियन कल्चर के बारे में. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ब्लेस्ड विथ ग्लोरियस एंशियंट ट्रेडिशन, द इंडियन वे आर अवेक विथ अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. यस, ऑब्वियसली उनको क्या पता, उनको मतलब बहुत टाइम के बाद, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट, उनको मतलब बाद में ये समझ में आ गया कि हम लोगों को ये क्या मिली, एक ब्लेसिंग मिली हुई है किस चीज़ के बारे में, जो एंशियंट ट्रेडिशन है उसके बारे में, मतलब जो एंशियंट ट्रेडिशन है हमारे पास, वो क्या है, एक ब्लेस, एक दुआ है हमारे पास. ओके, एंड द इंडियन वेयर अवेक, अब जो इंडियंस वो सब जाग गए थे, मतलब एकदम एक्टिव हो गए थे विथ द सेंस ऑफ आइडेंटिटी. द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्किंग सिंस लास्ट 100 ईयर्स इन पुणे. अब उन जो भटनागर है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो यहाँ पर मतलब सिंस लास्ट, मतलब जब ये टाइम मतलब 100 ईयर्स पहले से वहाँ पे काम किया जा रहा था. कहाँ पर, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, जो कि कहाँ पर है, पुणे में. मीन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल came to be published. Yes, अब यही पीरियड में देखो क्या हुआ था, इंग्लिश और वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर जो थे और पीरियडिकल्स जो थे, मतलब जो पीरियड वाइज आती थी न्यूज़, तो वो पब्लिश के मतलब पब्लिश करना स्टार्ट हो गए थे. थ्रू दिस न्यूज़पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग टू प्लेस. अब यही जो न्यूज़पेपर, इसके थ्रू क्या होता था, जो पॉलिटिकल और सोशल अवेकनिंग ने मतलब वो स्टार्ट हो गए थे, मतलब जैसे पॉलिटिकल वे में हम लोगों को कहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, क्या क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं, और सोशल अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी. न्यूज़पेपर लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, महारथा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट. अब ये जितने भी न्यूज़पेपर दिए लाइक दर्पण, प्रभाकर, तो ये सारे न्यूज़पेपर में क्या करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो टाइम पर, उसे क्रिटिसाइज करते थे थ्रू दिस न्यूज़पेपर्स. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑन 28 December 1885 द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई. यस, तो देखो 28 December 1885 में जो फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था, वो हेल्ड किया गया था, रखा गया था कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में. ओके, 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन. यस, अब जो 72 डेलीगेट्स से जो अलग अलग प्रोविंसेस, मतलब अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट से जो मतलब बिलोंग करते थे, तो वो लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे ये सेशन में. व्योमेश चंद्र बनर्जी, अ रिनोन्ड लॉयर फ्रॉम कोलकाता, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. अब देखो, जो
ये जो सेशन रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सेशन के प्रेसिडेंट थे कौन? व्योमेश चंद्रा बनर्जी, ओके, जो कि बहुत पॉपुलर लॉयर थे कोलकाता के। इन दिस सेशन दे एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यही सेशन में क्या इस्टैब्लिश किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टैब्लिश किया गया था, ओके। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अ ब्रिटिश ऑफिसर, टुक लीड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, इसको इस्टैब्लिश करने में उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर से, जो ब्रिटिश ऑफिसर लाइक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सच स्टेटमेंट वेयर सेंड टू द ब्रिटिश। ये सब देखो क्या हो गया, इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पीपल थे, इंडियन पीपल जो थे, वो उनका जो प्रपोर्शन था वो क्या हो गया था? बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था, राइट। एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसिस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो मिलिट्री एक्सपेंसिस प्रोवाइड करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या हो गया था? रिडक्ट हो गया था, कम हो गया था, ओके। सच स्टेटमेंट वेयर सेंड, अब ये जो स्टेटमेंट थी वो सेंड कर दी गई थी किसको? ब्रिटिश को। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस इन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, एंड ब्रिंग देम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम एंड व्यू, टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल। यस, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टार्ट की गई थी ना, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू मेक द पीपल, मतलब वो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के पीपल थे, है ना, जो डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज से बिलोंग, डिफरेंट डिफरेंट थे, तो उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में उनको लाना था, ओके, एक साथ एक यूनिटी में लाना था उन लोगों को, सबको एक साथ आना था। जैसे जो डिफरेंट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सारे रिलीजन के, जो रेस के पीपल्स थे, कास्ट के जो पीपल थे, लोअर कास्ट अपर कास्ट, वो फिर जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के, फिर जो जोग्राफिकल टेरिटरीज थी, वो तो सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने का इनका क्या था? ऑब्जेक्टिव था। एंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉब्लम एंड व्यू, यस, एंड टू अंडरस्टैंड मतलब हर किसी की जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो व्यूज है, उसको अंडरस्टैंड करना। टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वननेस, ऑब्वियसली कौन सी फीलिंग को इंक्रीज करना? एक वाली मतलब एक साथ रहने वाली फीलिंग को इंक्रीज करना पीपल के अंदर। टू टेक इफर्ट फ्रॉम द डिफरेंट, टू टेक इफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वे आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके अलावा क्या काम करना, मतलब इफर्ट करना, टू टेक इफर्ट, किस चीज़ में इफर्ट डालना? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में अपना इफर्ट डालना। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव से इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ओके। नो मॉडरेट फेज 1885 to 1905, ओके। द अर्ली 10 years आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देयर कंट्रीब्यूशन वॉज वेरी स्लो बट कंसिस्टेंट। यस, सो 1885 till 1905, राइट। सो द अर्ली 10 years आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, ऑब्वियसली जैसे जो नेशनल कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो डायरेक्टली हमें उसका बेनिफिट नहीं दिखाई देता है ना, उसका फ़ायदा नहीं दिखता है, उससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं वो दिखाई नहीं देते। तो वैसे ही जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टार्ट हुआ था, है ना, तो उसके जो अर्ली स्टार्टिंग में जो 10 years से जब वो इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो टाइम के जो स्टार्टिंग के जो 10 years से, तो उन लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कैसे था? बहुत स्लो था, लेकिन हो रहा था, मतलब कंसिस्टेंट, मतलब चल रहा था, ओके। The leader of Indian National Congress were realistic and highly educated. अब देखो, जो leaders थे Indian National Congress में वो कैसे थे? They were realistic and highly educated, मतलब बहुत ज़्यादा educated persons थे उसमें। They were aware that through organized work a strong foundation need to be built up. Yes, अब उनका क्या मानना था? They were aware that
थ्रू ऑर्गेनाइज, मतलब थ्रू दिस ऑर्गेनाइज जो उन्होंने बनाए थे उसके थ्रू क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वर्क का स्टॉक फाउंडेशन, उन्होंने एक स्टॉक फाउंडेशन बनाना चाहिए टू बिल्ड अप, ऑब्वियसली टू मतलब उसको बढ़ाने के लिए, किसे बढ़ाने के लिए, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़ाने के लिए। वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दीज वैल्यूज हैड इन इम्पैक्ट ऑन देम। यस, अब जो वेस्टर्न थिंकर्स थे और फिलोसफी थे, है ना, जो फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है, वैल्यूज है। तो ये सारी वैल्यूज का इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ा था, वही सारी चीज़ों पे पड़ा था, मतलब ये जो नेशनल कांग्रेस है उसके ऊपर पड़ा था। दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनली मैथड। यस, अब वो किस मैथड पे बिलीव कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड था उसके ऊपर वो बिलीव कर रहे थे। ओके, they had a hope that if we demand through constitutional method then the British will give justice to our demand। yes, अब उन लोगों का क्या सोचना था, मतलब जो members है national इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उन लोगों का ये सोचना था कि अगर हम लोग constitutional method के through अगर demand कर दें तो British government जो है वो हम लोगों को justice, इंसाफ देंगी हमारे demand को। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वेयर ऑल मॉडरेट लीडर। अब वो जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट लीडर्स थे, लाइक कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सब क्या थे, एक मॉडरेट लीडर्स थे एट दैट टाइम। इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट रिसोल्यूशन वेयर पुट फॉरवर्ड बाय देम, सच एज टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर, जॉब फॉर एजुकेटेड इंडियन, कटिंग डाउन द इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फॉर सेफ गार्डिंग लीगल राइट्स ऑफ इंडियन एक्सेट्रा। यस, सो हियर अब जो सेशन था, राइट, विद सेशन इंडियन नेशनल सेशन, तो उसमें क्या हुआ था, जो बहुत सारे रिसोल्यूशन हुआ था, मतलब बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ था, रिसोल्यूशन किया गया था, डिफरेंट चीज़ों का रिसोल्यूशन किया गया था, तो ताकि उससे क्या हो सके, वे आर पुट फॉरवर्ड बाय देम सच एज टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर। यस, तो मतलब उन लोगों को क्या किया जाए, दे गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर, प्लस उन लोगों को, अच्छा जो एजुकेटेड इंडियन है हमारी कंट्री में, जो एजुकेटेड बंदे थे, तो उन लोगों को अच्छी सी जॉब की फैसिलिटी दी जाए, उनको जॉब दी जाए। फिर कटिंग डाउन द इंक्रीज, मतलब जो एक्सपेंस, जो खर्चा किया जाता था मिलिट्री के ऊपर, तो उसको कम कर देना चाहिए। लेजिस्लेचर जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड, जो लेजिस्लेचर है और जो जुडिशरी है उनको क्या कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। क्यों, फॉर सेफ गार्डिंग लीगल राइट, लीगल राइट को, जो हमारी लीगल राइट थी उसे सेफ गार्ड करने के लिए। टू कॉज अ स्प्लिंट इन द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश implemented the policy of divide and rule। yes, अब देखो, to cause a split in the national movement, इसके वजह से जो ब्रिटिश ने क्या इम्प्लीमेंट किया, एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, एंड द नेम ऑफ दैट पॉलिसी इज डिवाइड एंड रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, extremist phase, that is from 1905 to 1920। okay,